एडिटिंग कर रहा हूँ, 15-15, 20-20, 25। कैसे लग रहे भाई? अरे भाई साहब, जा क्यों नहीं रहे हो आप? क्या कर रहा? अम्मा पकड़ लिया मैं। अम्मा पकड़ लिया। तो हे गाइस, क्या हाल है? स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अभी मैं सुबह सुबह ऊपर आया हूँ पानी डालने के लिए पौधों में, मतलब जब उठा था तब भूल गया था, अब थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ पानी। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम, उसके लिए मैं बताऊँ, आज मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ के यहाँ पे, जो बुराड़ी में है। लास्ट व्लॉग में मैंने जो बताया था, तो आज हम जा रहे हैं बुराड़ी। मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ बाइक पे, और बुराड़ी क्योंकि फेस्टिवल वगैरह, भाई दूज वगैरह निकली है, तो बुआ तो आ नहीं पाई, तो हम बुआ से मिलने जा रहे हैं। आई होप कि फेस्टिवल वगैरह सबके ठीक ठाक हो गए हैं, और हमारा तो एकदम मस्त हुआ है। और इस बार फेस्टिवल कुछ खास रहा, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, तो व्लॉगर वाला फेस्टिवल रहा है मेरे लिए। तो आप बताना कमेंट करके कैसा रहा फेस्टिवल आपका। यार ये व्लॉगिंग वगैरह कितनी भी डाल लो, लेकिन जैसे एक भी शॉट डाल दूंगा ना, 200-300 व्यूज़ पे ऐसे ही चले जाते हैं। पर अगर मैं व्लॉगिंग करके डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, 15-15, 20-20, 25-25 मिनट के व्लॉग भी बना रहा हूँ, उस पर व्यू नहीं आ रहे यार। 5-10 व्यूज़। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। पता नहीं यूट्यूब का क्या एल्गोरिथम है, ये किसी को रिकमेंडेशन करता है नहीं करता। मुझे लग रहा है जितने फेमस होते हैं ना, सिर्फ उसका ही रिकमेंडेशन करता है यूट्यूब। बाकी छोटे क्रिएटर्स जितने भी हमारे ऐसे, उन लोगों को तो ये बढ़ा नहीं चाह रहा आगे। मैं पता है खुद लोगों से फ़ोन मांग मांग के सब्सक्राइब करवा रहा हूँ चैनल। जली ना तेरी भी जली ना। पर मजा ले यूट्यूब की भाई, जो हेल्प कर दे हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स को, मतलब यूट्यूबर तो नहीं कहूँगा, मेरे को बिगिनर कह लो, बिगिनर्स की हेल्प कर दे, न्यू भी भाई यूट्यूब कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। सही बात नहीं है ये, हमारे जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए कुछ करो यार, हमारी वीडियो भी रिकमेंडेशन में डालो, तभी तो बात बनेगी, ऐसे कैसे। एक चीज़ दिखाता हूँ जाने से पहले, देखो 80,000 के सुना, 80,000 के तेरा घर इसमें चले जाएगा। जूते इतने प्यारे हैं कि मतलब सोफे पे रखे हुए हैं। मम्मी देख लेगी तो बहुत चिल्लाएगी मेरे को। कैसे लग रहे भाई? अबे ये तो मैंने फोल्ड खोली नहीं इसकी। कैसे लग रहे हैं? ठीक लग रहे हैं? बढ़िया, मस्त, मेरे को तो बढ़िया लग रहे हैं। धीरे धीरे सनसेट होता जा रहा है। मैं बुआ की छत पे खड़ा हूँ। मेरे को तकरीबन 4 या 5 साल हो गए होंगे बुआ के घर की छत पे आए हुए। इनका मकान बनना चालू हुआ था तब, एक ही मंजिल बना हुआ था, तब तो छोटी सी छत थी, तब भी मैं एक बार आया था, और उसके बाद आज आ रहा हूँ मैं। काफ़ी टाइम हो गया, इनका मकान वगैरह ही बन गया है, 2-3 मंजिल वहाँ पे इनका काम फैला पड़ा है, अभी भी काम चल रहा है। तो अपने उपले वगैरह जैसे मैंने दिखाए थे गोवर्धन वाली दिन वीडियो में, ये इनके भी सूख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारा काम वाम चल रहा है इनका, सारा काम ऊपर से नीचे तक पूरा इसी तरीके से पड़ा हुआ है, फैला हुआ है, बस जैसे तैसे, जैसे रहता है ना घरों के अंदर, जब घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो सब कुछ उथल फुथल रहता है, कोई कुछ कहाँ बॉक्स कहाँ, लेटरिन कहाँ। तो ऐसे ही पड़ा है सब कुछ। थोड़ा सा अभी टेल वेल भी लग रही है जब से, और मिस्त्री थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, जब ठेके पे दे रखा है, बट उससे कोई मैटर नहीं है। मैं सबसे ऊपर खड़ा हूँ और मैं व्यू दिखाता हूँ चारों तरफ का। ये बुआ के घर के बराबर वाली गली है, ये इस तरीके की इनकी टेल लगी है, और मैं पता है ये फासनर पहली बार देख रहा हूँ टेल के अंदर, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो टेल लग रही है ना, उसके अंदर फासनर नहीं लगे हुए, लेकिन यहाँ पर टेल के अंदर फासनर लगे हुए हैं उनको सपोर्ट के लिए। ये सही लगा मेरे को, बड़ा अच्छा लगा इसमें। किसी के यहाँ लग रहे हो या पहले से किसी को पता हो तो उसको पता होगा, मेरे को नहीं मालूम था। अब जैसे देखो ये सामने वाले के टेल लग रही हैं, मुझे एक भी फासनर नहीं दिख रहा इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने ये जो वाली बुआ के यहाँ टेल देखी, इसके अंदर फासनर लग रहा है, और काफ़ी सही लगा मेरे को ये सपोर्ट के लिए। कई बार टेल वगैरह गिर जाती हैं, पानी वगैरह से सीलन वगैरह हो जाती है, या फिर और भी प्रॉब्लम होती है तो गिर जाती है टेल। मेरे घर की टेल छत की गिरती रहती हैं, मेरे को मालूम है। तो ये बहुत सही जुगाड़ लगा मेरे को। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तब घर पे जाऊँ, क्योंकि अभी जाम वगैरह मिलेगा खजूरी भजनपुरा पे, और बहुत देर खड़ा रहना पड़ेगा। और मैं सुबह जैकेट लेके चला था, अभी तो फ़िलहाल टी शर्ट में हूँ, जैकेट में लेके चला था, बट जब मैं आया था तब मैं पहना नहीं जैकेट को, क्योंकि तब गर्मी लग रही थी। और अभी शाम के तकरीबन 4 बज रहे हैं, और 4 बजे मेरे को ठंड लगनी चालू हो गई है, और 1-1.5 घंटे बाद तो सच में जैकेट पहन के जाना पड़ेगा। और ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा अर्बन प्लस रूरल दोनों एरिया है। जैसे अब मैं इस तरफ दिखाऊं, सारा का सारा तुम्हें अर्बन एरिया दिखेगा, लेकिन अगर मैं इस तरफ दिखाऊं रूरल एरिया दिखेगा अब सारा का सारा। यहाँ पे जितना भी है ये मिक्स्ड है,
ठीक है, दूर दूर तक खेत दिखेंगे, ये सब दिखेगा। सुबह घूमने वगैरह जाना होता है तो यहाँ से थोड़ा सा दूर तकरीबन 200-300 मीटर है, अपना चले जाओ ग्राउंड वगैरह में घूमो, काफ़ी फील्ड वगैरह है वहाँ भी घूमो। मैंने यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो मैंने खेती वगैरह होते हुए भी देखी थी, फिलहाल अभी तो नहीं हो रही, लेकिन कोई सेंस है इस बात की, खेत वगैरह के अंदर फसल वगैरह भी देखी थी और काफ़ी सही एरिया है यहाँ पे। ये इनके तीन तीन टंकी लग रही हैं क्योंकि तीन मंजिल है, एक मंजिल के लिए एक टंकी, हमारा दो मंजिल बना हुआ है तो हमने दो टंकी लगाई हुई हैं। और ये फिगर मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या बना हुआ है, ये चिमनी बनी हुई है या पता नहीं क्या है, ये कुछ अलग ही फिगर है, ना तो ये टावर लग रहा, ना तो ये चिमनी लग रही, ना ये मंदिर लग रहा, पता नहीं क्या बना हुआ है ये। यहाँ पे थोड़ा सा ना नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, जब भी मैं बुआ घर पे आता हूँ हमेशा यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है हमेशा, या तो कोई भी, या तो जियो हो या वोडा हो, कोई भी सिम हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा। हल्का फुल्का नेट चलता है, बहुत जैसे 2G नेट चलता है ना, या फिर मान लो 3G नेट चल रहा है बट बहुत स्लो। ये यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा कमरा डलवाया है, सबसे ऊपर इन्होंने ये गाटर वगैरह का डलवा दिया है और ये इनका कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे काम पड़ा हुआ है, गत्ते वगैरह ये फिटिंग के लिए, बिजली वगैरह के बोर्ड पड़े हुए हैं, एल्बो वगैरह ये सब अभी तक ऐसे पड़ा हुआ है। इनका काम पता नहीं कब ख़त्म होगा, अभी तक 3 साल हो गए, अभी तक तो ख़त्म हुआ नहीं है। बेस में मैं दिखा दूंगा नीचे, और बेस में क्या क्या ही दिखाना, कभी जब बन जाएगा ना उसके बाद कभी आऊँगा अच्छे से टूर करने। ये घर का उद्घाटन अच्छे से करेंगे या कुछ भी करेंगे, फंक्शन करेंगे, पूजा करेंगे, कुछ भी करेंगे तब आएंगे अच्छे से देखने इसको। अभी तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है, जब तक कंस्ट्रक्शन का वर्क है तब तक कंस्ट्रक्शन का वर्क है। बाकी आज सनसेट देखेंगे बुआ के घर से, डेली मैं अपने घर से ही देखता हूँ तो आज हम बुआ के यहाँ से सनसेट देखेंगे। यहाँ पे ना टेम्परेचर वगैरह थोड़ा सा ठंडा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे खुला एरिया ज़्यादा है, खुला एरिया इन द सेंस जैसे मैंने अभी दिखाया ना फील्ड वगैरह जितने में चारों तरफ फील्ड, तो अर्बन प्लस रूरल दोनों तरह का एरिया है। ये एक चीज़ मेरे को दिखाई दी है, ये इनका मकान है तो मकान के बराबर में जरा सी जगह से ये सदाबहार का जो प्लांट है ना ये उगा हुआ है और इस पर फ्लावरिंग भी आ रही है, कमाल है भाई नेचर। टंकी के बराबर में, अरे ये छोटा सा ये, हाँ यही। आज मैं बुआ के घर भी आने वाला था और बाल मेरे काफ़ी बड़े हो चुके थे, ऐसे ऐसे मैं कटिंग भी करवाया तो देख के बताना कैसे लग रहे हैं। बाकी मैं नॉर्मल कटिंग करवाई है, हमारे घर में इसी तरीके की कटिंग चलती है, यही अलाउड है, बाकी बड़े तो मैंने कर ही लिए थे बट अगर कटिंग करवाता हूँ तो इसी तरीके करवानी पड़ती है, करवानी पड़ती भी है और पसंद भी है, ऐसी बात नहीं है। इनको देख के भी मम्मी बोल रही थी तूने इतने बड़े बाल क्यों छोड़ दिए, और छोटा भाई वगैरह भी इतने बाल रखता है, वो भी छोटे रखता है साइड में। हम जब भी कटिंग करवाते हैं ना सेम ही स्टाइल रहता है सबका, साइड और पीछे से बिल्कुल ज़ीरो, और ऊपर से थोड़ा बहुत शौक के लिए रख लेते हैं, पापा तो वो भी नहीं रखते। भाई देख लो नॉर्मल ठीक लग रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैड लग रहे हैं, हाँ पता है मेरे को कैड लग रहे हैं। ये कबूतर इतनी देर से बैठा हुआ है, तकरीबन 1 घंटा हो गया होगा इसको। अरे भाई साहब जा क्यों नहीं रहे हो आप, क्या देख रहे हो घर में, काम चल रहा है भाई साहब, अभी कुछ नहीं है यहाँ खाने पीने के लिए, अभी तो यहाँ हमें कुछ नहीं मिल रहा खाने पीने को, यहाँ चल रहा है काम। ये देख तो रहे हो आप, ये कितने सारी पैड बन रही है यहाँ पे, ठीक है, और फिर जब हम आपको नहीं दे रहे खाने के लिए तो आपके दोस्तों को कैसे दे देंगे, आप इन भाई साहब को भी लेके आ गए साथ में और इनको भी साथ में लेके आ गए, नहीं कोई बात होती है ये है, कोई बात होती है ये, बताओ चलो पहुँचो। अरे जाओ भाई मत जा यार, तेरी मर्जी, बैठा रहे, मैं तो जा रहा हूँ, तू बैठा रहे यहीं पे, हगता रहे बैठा बैठा वहीं पे, मेरे को क्या मतलब। लगता है यहाँ पे एलोवेरा का क्रेज़ काफ़ी है, बहुत सारे लोगों ने ना पता नहीं क्यों लेकिन एलोवेरा बहुत सारी लगाई हुई है, मतलब मैं जितने भी छत से घर देख रहा हूँ ना तो सबके यहाँ पे एलोवेरा रखी हुई है। मैं दिखाता हूँ एक बार, अब जैसे देखो ये सामने वाला घर है, अब देखो एक प्लांट ये रहा एलोवेरा का, एक वो रहा पीछे वाले के पास, ये दूसरा मकान है, इनके यहाँ भी एलोवेरा रखी हुई है, ठीक है, और ये सामने वालों के ये दिख रही होगी कोने में, ये इनके भी एलोवेरा रखी हुई है। और देखो ये जो मेरे घर के मतलब बुआ के घर के बराबर वाला घर है, इनके यहाँ भी एलोवेरा रखी हुई है, ये वाली ये रखी, इनके भी एलोवेरा रखी है। ये प्लांट हर किसी के मिलेगा, कॉमन प्लांट है क्योंकि इसको बहुत जगह यूज़ करते हैं लोग बाग, फेशियल ट्रीटमेंट ज़्यादा करते हैं इस। भाई बुआ के यहाँ पे हमारी बहुत खातिरदारी हुई है, एक खातिरदारी मैं दिखाता हूँ एक बार, ये देखो ये आज बुआ ने होटल से खाना मंगाया और घर पर ही ये दाल वगैरह है,
पनीर है, मिक्स सब्जी है, नमकीन वगैरह और सब कुछ, और मिठाई वगैरह सब कुछ। आज इतनी खातिरदारी हुई है हमारी कसम से, बहुत ज्यादा मजा ही आ गया कसम से। ये देखो ये बदरपुर यहाँ पड़ा हुआ है इनका भाई, टहल तो लग गई है इधर। बक्सा बेच रहे तो बताओ, हम ले लेंगे। वाह, नहीं टेल ठीक है, बढ़िया लगी मेरे को टेल। तीन कलर की लगाई है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा मेरे को। और ये पाइप वगैरह काफी अंदर निकलवा दिए इन्होंने, ये दीवार से सटा के लगाते ना दोनों के दोनों पाइप। अब जैसे है चलो है, ये क्या है, ये भी वही है बाथरूम। बढ़िया तुलसा जी रखी है, वाह वाह वाह, चलो बढ़िया। और कहीं सब छत पे सोने का इंतजाम? चलो 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 चलो, आ जाओ रामते, चलो चलो चढ़ी, आ जाओ आ जाओ आराम से, चढ़ अभी भी तुम्हारी ऊंचाई भी है, ये ऊंची सीढ़ी ना। हाँ तो इन्होंने उनका लैंडर भी तो ऊंचा है, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। और ये आ गए हम नीचे, और ये इनकी टेल वेल रखी हुई है इधर। मैं पापा को दिखाऊंगा ये वाली वीडियो। अरे ये रहा शीशा लग रहा है यहाँ पे इतना बड़ा, वाह ये शीशा उनके नहीं लगाया हो, पाले वाले उनके नहीं लगाया। तो बुआ के घर से हम लोग आ गए हैं और अभी रात का टाइम हो रहा है, तकरीबन 11 बजने वाले हैं। और आ तो हम जल्दी गए थे, लेकिन थोड़ा सा हम खा पी के थोड़ा सा अभी लेट व्लॉग बना रहा हूँ। तो मैं अभी ना ब्रश करने जा रहा था, तो मैंने सोचा ब्रश कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं रात के टाइम डेली ब्रश करके सोता हूँ, फिर उसके बाद पता है मैं ब्रश के लिए कोलगेट लेने जा रहा था टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट लेने जा रहा था मेरे पास, पता है मैंने ये देखा एक हमारा जो टूथपेस्ट है वो खत्म हो चुका था, तो ये इस तरीके से काटा हुआ है, इसमें से मैंने टूथपेस्ट निकाला, तब जाके कर रहा हूँ मैं। तो हमारे घर में इतनी गरीबी आ रखी है, तो ये ऐसे ऐसे काम चल रहा है भाई साहब। और उल्टे कल का उल्टे फिलहाल, अब सही पिटाई हुई है इसकी, हिला दिया मम्मी, देख लो देख दिखा लो इसको, दिखा लो हिला दिया, सही हालत कर दी है इसकी। कैसा लगा, मजा आया?